निश्चित रूप से आज मुख्यमंत्री जी बजट की रिप्लाई देने का काम करेंगे। रिप्लाई के अंदर कई बड़ी बड़ी घोषणाएं फिर होगी। कांग्रेस के सदस्य और समर्थन देने वाले सदस्य मेज थपथपाकर उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, लेकिन वो सारी चीज़ें धरातल के ऊपर आना मुश्किल है। कल मैंने एक मीडिया के सामने भी बात रखी थी कि जिस वेतन विसंगति को लेकर जो कह रहे थे कि पहले कर्मचारियों का नुकसान हो रहा था, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा जी कह रहे थे 4,000 रुपये बाबुओं के अब ज़्यादा मिलने शुरू हो जाएंगे, तो उसके अंदर भी प्रमाण से जो इन्हीं के आदेश से जारी किया गया है कि उसके अंदर भी जो पहले मिल रहा था उससे भी अब कटौती की गई है। तो निश्चित रूप से सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। सरकार से हमारी तो एक ही मांग है, क्राइम के ऊपर कंट्रोल करने का काम करें, कर्ज माफी का वादा आपने किया था उसको पूर्ण करने का काम करें, और जो घोषणाएं आपने की है चाहे वो बजट घोषणा हो और चाहे चुनावी घोषणा हो, उन घोषणाओं को पूरा करने का काम करें। आज राजस्थान के किसान दुखी है, पीड़ित है, परेशान है। 1500 रुपये प्रति क्विंटल चारा बिकना शुरू हो गया। अब राजस्थान के किसानों को राहत देना चाहते हैं तो पंजाब से आने वाले चारे को सस्ता किस दर के ऊपर मिल सकता है? या तो सरकार सहायता प्रदान करे, या पंजाब से आने वाले चारे के अंदर जो DTO RTO पुलिस महकमे के अंदर जो अवैध वसूली की जा रही है, बंदी ली जा रही है, उन बंदियों को बंद कराए ताकि किसानों को राहत।